नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिक्वायरमेंट गुरु पर। दोस्तों, होंडा कार इंडिया लिमिटेड कंपनी टपुकड़ा अलवर राजस्थान के द्वारा निःशुल्क कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन करवाया जाएगा। इस कैंपस प्लेसमेंट में ITI पास सभी छात्र इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग लेने के लिए आप जा सकते हैं। कैंपस के माध्यम से कंपनी आपको सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट करवाएगी, उसके बाद आपका वॉक इन इंटरव्यू करवाएगा। देन आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। और यहाँ पर जो आपका पोस्टेज रखा गया अप्रेंटिसशिप के लिए है और आपका कैजुअल के लिए है, ठीक है। और ये कंपनी गाइस आपको यहाँ पर रिसेंटली यहाँ पर परमानेंट करने लगी है, तो जो भी अप्रेंटिसशिप के बाद कैजुअल में जाते हैं उसके बाद आपको परमानेंट होने का यहाँ पर आपको मौका मिल जाएगा इस कंपनी में। तो काफ़ी अच्छी और शानदार कंपनी है, मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर के संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। उससे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन आपको अप्लाई ऑनलाइन आपको कर लेना है, उसके बाद आप कैंपस प्लेसमेंट वाले एड्रेस पर आप जा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर के बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक आप जरूर वॉच करें। चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करके रखें इसी प्रकार की लेटेस्ट जेन्युइन जॉब के अपडेट्स पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपको होंडा कार इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा जो कैंपस इंटरव्यू करवाया जाएगा उसी नोटिफिकेशन पर आपको लाया गया है। गाइस, यहाँ पर आपका होंडा वोकेशनल ट्रेनिंग में आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको जाना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिशियन के अलावा सभी टेक्निकल ट्रेड वाले कैंडिडेट्स इस कैंपस प्लेसमेंट में अटेंड करने के लिए आप जा सकते हैं। 2019 से लेकर 2022 तक के पास आउट के छात्र इस कैंपस प्लेसमेंट में आप जा सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम यहाँ पर 25 वर्ष आपका रखा गया है। अप्रेंटिसशिप एंड कैजुअल कैंडिडेट्स के लिए यह आपका एज लिमिट रखा गया है, ठीक है। एलिजिबिलिटी यहाँ पर गाइस आपका ITI पास आउट ऑफ होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफाई रिटर्न टेस्ट आपको देना होगा, उसके बाद ट्रेनिंग ड्यूरेशन आपको 2 वीक का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा होंडा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। उसके बाद आपका ट्रेनिंग नेम आपका बेसिक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। सैलरी आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगा 12,000 से लेकर 24,500 तक आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिल जाएगा। 12,000 रुपये आपका अप्रेंटिसशिप वालों को ये आपकी इन हैंड सैलरी रहने वाली है, ठीक है। और आपको अदर यहाँ पर बेनिफिट्स क्या क्या मिल जाएगा तो मैं आपको बता दूँ। PF PSI की सुविधा कंपनी आपको देने वाली है जो कैजुअल में जाएंगे, ठीक है। अप्रेंटिसशिप वालों को PF PSI की सुविधा देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही कैंटीन बस की सुविधा सभी छात्रों को आपको दिया जाएगा, दिवाली बोनस भी आपको दिया जाएगा। देन आपको यहाँ पर और भी फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। सैटरडे संडे 2 दिन आपको ऑफ इस कंपनी में देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो आपको इसमें डेफिनेटली जाना है जो ITI पास आउट छात्र हैं। अब आपको गाइस अप्लाई आपको ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद 12 जून को सुबह 9 बजे से पहले कैंपस वाले एड्रेस पर आपको चले आना। कैंपस का जो आपका एड्रेस है मेवाड़ ITI कॉलेज NH 48 रूपाहेली चौराहा दहे हुडा भीलवाड़ा राजस्थान में एक कैंपस प्लेसमेंट करवाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर गाइस कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, आप कॉन्टैक्ट यहाँ से आप कर सकते हैं। अप्लाई लिंक, रजिस्ट्रेशन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा हमारे वेबसाइट का। ये आप www.itijobguru लिख कर गूगल पर आप सर्च करें, itijobguru.com करके गूगल पर आप सर्च करें तो आपको ये पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर आप जाइए, जाने के बाद आप अपना अप्लाई आप डेफिनेटली करें, पूरा फॉर्म आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर आप कैंपस प्लेसमेंट को अटेंड करने के लिए आप जा सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी प्रकार के लेटेस्ट जेन्युइन जॉब के अपडेट्स रेगुलर पाते रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।